तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिकाओं के लिए आईसीडीएस विभाग की ओर से स्पेशल एक लेटर जारी किया गया है। जी हाँ, इस लेटर के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा कि आपके केंद्र की सहायिकाओं को मानदेय के अलावा जो भी प्रोत्साहन राशि है वो देने के लिए आईसीडीएस विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी सेविकाओं और साथ में स्पेशली सहायिकाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सहायिकाओं के भी कमेंट आते रहते हैं कि सर आप सहायिकाओं के बारे में कोई अपडेट कोई न्यूज़ नहीं बताते हैं। तो फाइनली आंगनबाड़ी सहायिकाओं के संबंध में मानदेय के अलावा पैसा देने के लिए स्पेशली आईसीडीएस विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी सहायिकाएं इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने सर्कल में जो भी सहायिकाएं होंगी उनको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल लेटर है संचिका संख्या 41/7/2021। कल शाम को लेटर जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने बिहार पटना से लेटर जारी किया गया है। पूरे बिहार के सीडीपीओ को लेटर जारी किया गया है। नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए पत्र का जब आप विषय देखेंगे आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ जाएंगी। लिखा गया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्गत मजदूरी या मानदेय मद से आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने के संबंध में, यानी प्रोत्साहन राशि ये अलग से दिया जाना है। और यहाँ पर यह प्रोत्साहन जो राशि है वो भारत सरकार के आदेशानुसार पत्रांक के आधार पर यह दिया जा रहा है। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक, यानी 7 महीने, जी हाँ 7 महीने होते हैं, अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक, इन 7 महीनों के लिए सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु निदेशालय का आवंटन आदेश पत्र संख्या 4/2022 को निर्गत किया गया है। सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, कुछ क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के आलोक में निम्नानुसार 250 रुपये प्रति माह के दर से किए जाना है। यानी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 7 महीने होते हैं और 1 महीने का अगर 250 रुपये प्रोत्साहन राशि सहायिकाओं को दिया जाना है तो यानी ये जो है लगभग 1750 रुपये ये होते हैं। जी हाँ, इतने पैसे जो है एक सहायिका को मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, लिखा गया, निर्धारित मानक अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक, यानी 7 महीने। कोविड-19 महामारी, देखिए निर्धारित मानक क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इस अवधि के बीच में अप्रैल से अक्टूबर 2021 के बीच में कोविड-19 महामारी जब चल रहा था के दौरान THR वितरण के लिए आंगनबाड़ी सेविका को सहायता प्रदान करना या महामारी के दौरान अन्य सेवाओं में सहयोग करना, बस इतना ही क्राइटेरिया है। जिन सहायिका ने ये क्राइटेरिया पूरा किया हुआ है, यानी कि THR वितरण के दौरान आंगनबाड़ी सेविका की सहायता की है और अन्य काम में सेविका की सहायता की है, जो सहायिकाओं का नॉर्मल काम होता है वो किया हुआ अक्टूबर से अप्रैल 21 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक, तो इस प्रकार सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान 100% सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर आईसीडीएस के डायरेक्टर का सिग्नेचर 7 तारीख का डेट देखने को मिल जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातें छिपी हुई है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि पूरे बिहार में कितनी सेविकाओं को यह प्रोत्साहन राशि मिलेगी, और ये भी नहीं लिखा गया है कि मान लीजिए पूरे बिहार की बात छोड़िए, पूरे एक जिले में जो है कितने सेविकाओं को मिलेगी। और ये जो मानक की बात की जा रही है कि इतने और इतने के बीच में सेविकाओं ने सहायता की होगी, इस चीज़ की जांच किस आधार पर होगी इसकी भी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि सहायिका का नॉर्मल काम ही है कि वो सेविका की मदद करें इन सब कामों में। तो ये सब जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लियर नहीं बताया गया, कितने लोगों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी जाँच कैसे होगी कि सेविकाओं ने वास्तव में सहायता की थी या नहीं की थी, इसके बारे में कोई क्लारिफिकेशन इस ऑफिस लेटर में हमको देखने को नहीं मिलता है। बाकी देखते हैं किसको किसको मिलेगा या फिर बाद में जो भी लिस्ट आएगा आपको सूचना मिलेगी वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।